सीमांचल में बाहर से आने वाली संक्रामक बीमारी डेंगू के बाद अब इंसेफ्लाइटिस ने दस्तक दे दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 100 से ज्यादा बच्चों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है और अब यह बीमारी पूर्णिया में भी पांव पसारना प्रारंभ कर दिया है। इस इलाके में पहली बार इस बीमारी की पहचान हो गई, जिसकी पुष्टि पटना मेडिकल कॉलेज के वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के द्वारा की गई। संक्रमित मरीज का उपचार पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल में किया जा रहा है। मरीज का नाम श्यामलाल दास बताया गया, जो बायसी प्रखंड के मलहरिया गांव के रहने वाले हैं। उपचार कर रहे डॉक्टरों ने पुष्टि किया है कि यह जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के कारण ही मरीज की स्थिति बिगड़ी है। अच्छा, ये जो पेशेंट है, ये श्यामलाल जो है वो अराउंड 34 इयर्स का मरीज है। वो पहले सदर हॉस्पिटल से हमारे पास आया है, तो इमरजेंसी में हमने उसको टैकल करके आईसीयू में रखा है। तो इनकी जो क्लिनिकल जो देखा जाया है, उसकी क्या सिम्टम्स क्या आया है और मरीज कैसे है, उसी देख के हमने सस्पेक्ट किया है कि ये कोई इंसेफेलाइटिस है। एकदम से पॉइंट नहीं कर सकता कि ये जापनीज है या इंसेफेलाइटिस है, लेकिन इंसेफेलाइटिस का सिम्टम्स है। तो हमने उसको MRI किया है। MRI करने के बाद और ज़्यादा क्लियर होने लगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो है ही है वो देख के, ऑन दैट बेसिस हमने सस्पेक्ट किया। सस्पेक्ट करने के बाद जो ये जो बीमार होता है वो नोटिफाई करना ज़रूरी होती है, हर जगह पे नोटिफाई इसलिए किया जाता है कि सरकार उसी समय से पहले से टैकल कर जाए कि लोगों को फैल नहीं जाए ये सब चीज़ों। और ये जो बीमार काफ़ी तेज से फैलता है, लोगों को बहुत नुकसान होता है। वो वायरस जो है वो पहले जापान में पाया गया है। वो वायरस और नॉर्मली सुअर और ये जो वाइल्ड बर्ड्स उन लोगों के अंदर रहता है। मतलब पूरा फीवर हो गया, पूरा ये पूरा चल फिर नहीं सकने लगा, पेट पकड़ लिया। तो तब इसको बायसी ले गया। बायसी में जब ले गया, बायसी में वहाँ पानी चढ़ा दिया। पानी चढ़ाने के बाद घर आते आते पूरा शेष हो गया, बेहोश हो गया, मुँह से झाग निकलने लगा। उसके बाद फिर पूर्णिया सदर में लाया, वहाँ भी पानी चढ़ाया, तो वहाँ से बोला कि ना इसको यहाँ से ले गए। तब हम लोग ये 7 में 8 तारीख को यहाँ वहाँ से सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोस्ट भी है, हम लोग अब शक नहीं पाए। जब ब्लड दिया निकाल के फिर पटना ले गए हम लोग चेक में, तो वही बीमारी आया। उसके बाद हम लोग तब यहाँ से चाहते हैं आगे भी हम लोगों का सरकार से कुछ हेल्प मिले। आगे हम लोगों को सक्षम नहीं है इलाज कराने के, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब घर से हैं, जो कि हम लोगों को बहुत पैसा यहाँ लग गया, बहुत कर्जा हो गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कुछ हेल्प मिले और आगे भी इसका भैया का बहुत अच्छा से इलाज हो जाए। तो हम लोग सब इसको 2 बच्चा भी है, 3 बच्चा भी है, छोटा छोटा है, ताकि हम लोग चाहते हैं सरकार से कि जहाँ तक हो अधिक से अधिक लाभ मिले और अच्छा हो, जितना जल्दी हो सके हो जाए। सरकार की टीम पूरे उस गांव में सर्वे करे और पूरे गांव का भी निरीक्षण करे, ताकि गांव में भी और दूसरा को किसी को नहीं हो, ताकि इस नौबत पे किसी और को नहीं आना पड़े। ये मामला जो है हम लोगों को पता चला पटना मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के आधार पर। तो एक जगह पर जैसे बायसी का जो है ना सो गांव है, वहां पर है ना सो जेई का केस मिला, और एक है ना सो के नगर के तरफ सो चिकन दुनिया मिला। तो इसी समय हम लोगों को ये जानकारी मिली, सेम डे वहां पर फॉगिंग हम लोग करवा दिए और सर्वेलेंस एक्टिविटी उसी से दिन नेक्स्ट डे हम चालू करवा दिए। जितना भी उस एरिया में फीवर का पेशेंट है उसको हेल्थ हम लोग ट्रेस करने की कोशिश किए, कोई और फर्दर कोई फीवर का पेशेंट नहीं मिला। और सर्विलेंस के पहले हम लोग माइकिंग करवाए थे कि जिनको भी बुखार है यहाँ पर है ना डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं, आप सेंटर पर राय करें, लेकिन कोई हेंडसो टर्न अप नहीं। उसके बाद आशा बहन जो हैं उनको हेंडसो सेंसिटाइज किया गया है कि उस एरिया में जाके हाउस टू हाउस सर्च करें। एक दूसरी वो महिला संगोष्ठी करें, और PSC लेवल में वहाँ पर व्यवस्था है ना JEE वार्ड का कर दिया गया है। सारे PSC हुए हैं, जितने MO हैं उनको जानकारी दे दी गई है, उन लोग के लिए अलग व्यवस्था है ना JEE वार्ड बना के है ना सो यानी सारा उसका मॉनिटरिंग अलग से है ना सो किया जाएगा। और साथ साथ ये जो है ना सो अगर वहाँ पर मैनेज नहीं हो सकता है तो इमीडिएट हमारे सदर अस्पताल में है ना सो रेफर करें। यहाँ हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पर है ना हमको असुविधा होगी उसको मैनेज करने में, तो हम फर्दर जो है हायर सेंटर हम वहाँ पर है ना सो रेफर करें।